सुशांत सिंह राजपूत, ये नाम आजकल हर किसी के जहन में है। शांत चेहरा, सौम्य मुस्कान और लाजवाब अदाकारी से सबके दिलों में अपनी अलग पहचान बनाने वाला सुशांत आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में बहुत ही कम समय में बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए सुशांत को हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन इस जिंदगी के पीछे की क्या कहानी सुशांत की रही, आइए जानते हैं। सुशांत का जन्म 21 जनवरी 1986 में बिहार के पटना में हुआ था। सुशांत के पिता के सिंह सरकारी अफसर के रूप में कार्यरत रह चुके हैं। सुशांत अपनी मां के बेहद करीब थे, लेकिन साल 2002 में सुशांत ने अपनी मां को खो दिया। सुशांत की चार बहनों में से एक इस दुनिया में नहीं है। सुशांत की बहन ऋतु सिंह क्रिकेटर हैं। सुशांत ने प्राथमिक शिक्षा पटना के सेंट कैरेंस हाई स्कूल और दिल्ली के कुलाजी हंसराज मॉडल स्कूल से की थी। सुशांत ने दिल्ली के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। सुशांत ने मशहूर एक्शन डायरेक्टर अलन अमीन से मार्शल आर्ट सीखा। सुशांत ने खुद को दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के काबिल बनाया। DCE के एंट्रेंस एग्जाम में 7वीं रैंक हासिल की। सुशांत फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड भी रह चुके हैं। वहीं सुशांत की काबिलियत की बात करें तो सुशांत अपने सपनों को लेकर बेहद जुनूनी और मेहनती इंसान थे। सुशांत ने कॉलेज के दिनों में ही श्यामक डाबर की क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया था। डांस क्लास के लोगों को नाटक में पार्ट करते देखकर सुशांत ने एक्टिंग करने का फैसला किया, जिसके बाद सुशांत ने एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन कर ली थी। सुशांत का फिल्मी करियर बेहद मुश्किलों और उतार चढ़ाव भरा रहा। सभी मुश्किलों के बावजूद सुशांत ने अपनी उम्दा अदाकारी से एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। शुरुआती दौर में कोई फिल्मी बैकग्राउंड ना होने के कारण कोई भी एक्ट्रेस सुशांत के साथ काम करने को राजी नहीं थी। अब बताते हैं आपको कैसे हुई बॉलीवुड में सुशांत की एंट्री। 2005 में सुशांत को 91 फिल्म फेयर अवार्ड्स में बैकग्राउंड डांसर के रूप में चुना गया था। 2006 में कॉमनवेल्थ गेम्स उद्घाटन में सुशांत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदर्शन का हिस्सा बने थे। अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर सुशांत मुंबई चले गए। सुशांत ने मुंबई में नादिरा बब्बर थिएटर ग्रुप में 2.5 साल तक काम किया। सुशांत को पहला ब्रेक कमर्शियल एड नेस्ले ने दिया। इस ब्रेक के बाद सुशांत को इंडस्ट्री में काफी लोग जानने लग गए थे। साल 2008 में सुशांत ने स्टार प्लस के सीरियल किस देश में है मेरा दिल से छोटे पर्दे पर एंट्री की थी। 2009 में जी टीवी पर पवित्र रिश्ता में मानव देशमुख के रोल से सभी के दिल में अपनी जगह बनाई। 2010 में सुशांत ने जरा नच के दिखा टू डांस शो किया था। 2011 में झलक दिखला जा 4 में हिस्सा लिया था। 2013 में सुशांत की पहली फिल्म काई पो 6 रिलीज हुई थी। फिल्म में सुशांत के किरदार को बेहद पसंद किया गया। 2013 में दूसरी फिल्म शुद्ध देसी रोमांस में भी दर्शकों को सुशांत का रोल अच्छा लगा। 2014 में पीके में सुशांत के रोल ने लोगों पर बड़ा असर किया था। 2015 में सुशांत की फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी रिलीज हुई, जिसमें सुशांत ने लीड रोल प्ले किया था। 2016 में सुशांत की MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी आई और फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। 2017 में सुशांत की राब्ता रिलीज हुई। 2018 में सुशांत ने वेलकम टू न्यूयॉर्क, ड्राइव और केदारनाथ में काम किया। 2019 में सोन चरैया में सुशांत ने काम किया था। 2019 के अंत में सुशांत की फिल्म छिछोरे ने बड़ी सफलता हासिल की। सुशांत सिंह राजपूत अपने करियर को लेकर बहुत ही मेहनती और जुनूनी थे। सुशांत का मानना था, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता पाने के लिए कठोर परिश्रम, त्याग और लगन की जरूरत होती है। सुशांत के स्वभाव की बात करें तो सुशांत स्वभाव से दिल के बड़े ही नेक इंसान थे। उनसे जुड़े लोगों का कहना है, सुपरस्टार बनने के बाद भी सुशांत एक आम इंसान की तरह ही व्यवहार करते थे। 2018 में केरल की मदद के लिए सुशांत एक फरिश्ते के रूप में सामने आए थे, जब सुशांत ने अपने फैन की तरफ से तुरंत 1 करोड़ रुपए दान दिए थे। इसी तरह सुशांत अक्सर अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सुशांत की पसंद नापसंद की बात की जाए तो उन्हें फिट रहना बहुत ही पसंद था। सुशांत को जिम करना बोरिंग लगता था, इसीलिए हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही जिम जाते थे। सुशांत मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने के साथ साथ घुड़सवारी और टेनिस खेलते थे। सुशांत सिंह राजपूत को एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट था। वो अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने फैंस के साथ स्पेस और ग्रहों से जुड़ी जानकारी और फोटो शेयर करते थे। सुशांत एक ड्रीमी इंसान थे। उन्होंने ट्विटर पर अपने 50 सपने शेयर किए।
उनका सबसे बड़ा सपना प्लेन चलाना सीखना था। सुशांत मोर्स कोड यानी टेलीकम्युनिकेशंस की भाषा सीखना चाहते थे। बच्चों की स्पेस के बारे में सीखने में मदद करना था सुशांत का सपना। 1000 पेड़ लगाना, 4 तालियों वाला पुशअप करना, बाएं हाथ से क्रिकेट खेलना, दिल्ली कॉलेज हॉस्टल में एक शाम गुजारना, कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाना, एक किताब लिखना, जंगल में एक हफ्ता बिताना, खेती करना सीखना, वैदिक ज्योतिष समझना, एक लैम्बोर्गिनी का मालिक बनना, स्वामी विवेकानंद पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना, वियना के सेंट स्टीफन्स कैथेड्रल में जाना सुशांत के बड़े सपने थे। सुशांत के इन सपनों से पता चलता है कि सुशांत को अलग अलग चीजें सीखने में बेहद दिलचस्पी थी। वहीं सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी अदाकारी के दम पर कई अवार्ड्स जीते थे। धारावाहिक पवित्र रिश्ता के लिए सुशांत ने बेस्ट पॉपुलर एक्टर मेल का अवार्ड जीता था। फिल्म कायपोछे के लिए बेस्ट डेब्यू मेल अवार्ड से सम्मानित हुए थे। इसी फिल्म के लिए सुशांत को प्रोड्यूसर गिल्ड फिल्म अवार्ड भी दिया गया था। फिल्म एमएस धोनी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किरदार करने के लिए अवार्ड जीता था। सुशांत की लव रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो सुशांत का नाम कई एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया था। धारावाहिक पवित्र रिश्ता के दौरान सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे की मुलाकात हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। सुशांत ने ऑन स्क्रीन डांस शो में अंकिता लोखंडे को प्रपोज किया था, जिसका जवाब अंकिता ने तुरंत नहीं दिया था। अंकिता ने जवाब देने के लिए थोड़ा समय मांगा, लेकिन बाद में उन्होंने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। अंकिता और सुशांत की सगाई भी हो चुकी थी। सुशांत फिल्म में किसिंग सीन के पहले अंकिता की परमिशन लेते थे। अंकिता के हाँ करने के बाद ही सुशांत किसिंग सीन फाइनल करते थे। सुशांत और अंकिता का रिलेशनशिप 6-7 साल तक चला था। सुशांत और अंकिता लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। अच्छे अंडरस्टैंडिंग के बावजूद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। कहा जाता है ब्रेकअप के बाद सुशांत की नजदीकियां फिल्म राब्ता की एक्ट्रेस कृति सैनन से बढ़ गई थी। कुछ लोगों का कहना है अंकिता से सुशांत के ब्रेकअप की वजह कृति सैनन ही थी। हालांकि कृति के साथ सुशांत का रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया था और 2017 में इनका ब्रेकअप हो गया था। कृति सैनन से ब्रेकअप के बाद सुशांत की नजदीकियां उनके दोस्त रिया चक्रवर्ती से बढ़ने लगी थी। हालांकि दोनों ने अपने रिश्तों को दोस्ती का नाम दिया था। दोनों साथ में लद्दाख और पेरिस की ट्रिप पर गए थे। सुशांत के अंतिम दिनों में रिया चक्रवर्ती उनके साथ थी। एक दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती अपने घर चली गई थी। रिया ने घर जाते ही सबसे पहले सोशल मीडिया से अपने सुशांत की फोटो को डिलीट किया। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुशांत अपने काम और करियर को लेकर काफी परेशान रहते थे। सुशांत का 6 महीने से इलाज चल रहा था। मामले की जांच चल रही है। जांच के दौरान पता चला है कि सुशांत के घर के सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो चुके थे। एक टैलेंटेड एक्टर इस दुनिया में नहीं है और वो सपने भी अब अधूरे रह गए जो सुशांत ने देखे थे। सुशांत सिंह राजपूत का यूं जाना फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के लिए एक बड़ा दुख है। मीनाक्षी त्रिवेदी की रिपोर्ट।